में वो एक बॉक्स लाता है जिसके अंदर एक रोबोट होता है। ये आम रोबोट नहीं है बल्कि बहुत ही इंटेलिजेंट है। और जैसे मार्टिन रोबोट को एक्टिवेट करता है, रोबोट उसे बताता है कि रोबोट्स के 3 लॉज हैं, किसी भी इंसान को हार्म नहीं करना। दूसरा लॉ होता है कि इंसानों के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, पर वो इंसान के किसी भी ऐसे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते जिसमें वो दूसरे इंसान को हार्म पहुंचाने के लिए उन्हें कहे। और तीसरा लॉ होता है कि रोबोट्स को हमेशा अपने अस्तित्व को बचा कर रखना है। मार्टिन की छोटी बेटी को ये रोबोट बहुत पसंद आता है, पर उसकी बड़ी बेटी इस रोबोट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दरअसल इस रोबोट को घर के काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रोबोट घर के काम करना शुरू कर देता है। और एक दिन जब वो मार्टिन की बड़ी बेटी के पास जाता है, तो मार्टिन की बड़ी बेटी उसे खिड़की से कूदने के लिए कहती है, और वो रोबोट ऐसे ही करता है, वो खिड़की से कूद जाता है। इस बात से मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को समझाता है कि हमें इसे सिर्फ एक रोबोट नहीं समझना चाहिए, ये हमारी मदद करता है, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। वहीं एक दिन मार्टिन की छोटी बेटी अमेंडा जब बीच पर खेल रही होती है, तो रोबोट से गलती से उसका कांच का घोड़ा टूट जाता है, जिससे अमेंडा को बहुत दुख होता है। रोबोट को भी उसके लिए अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसके लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनाता है। और जब मार्टिन को ये बात पता चलती है कि रोबोट ने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया है, तो बहुत हैरान होता है, क्योंकि रोबोट्स के अंदर इमोशन नहीं होते। वो इस तरह की बातों को नहीं समझते कि अगर किसी की कोई चीज टूट जाए तो उस इंसान को दुख हो सकता है। साथ ही मार्टिन देखते हैं कि एक दिन रोबोट गाने सुन रहा होता है, वो ये सब देखकर बहुत हैरान होते हैं। इसीलिए रोबोट को उस कंपनी में ले जाते हैं जहां से उन्होंने इसे खरीदा होता है, और वहां के वैज्ञानिक को सारी बातें बताते हैं और पूछते हैं क्या इस रोबोट को इसी तरह से डिजाइन किया गया है। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ एक प्रोग्राम है, अगर तुम इसे वापस करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन मार्टिन साफ साफ मना कर देता है और रोबोट को लेकर घर वापस आ जाता है। दरअसल इस वक्त में इस तरह के कई रोबोट्स कई लोगों के पास भी होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और रोबोट यहाँ पर बहुत सारी लकड़ी की चीजें बनाता है, जिनमें सबसे ज्यादा घड़ियां होती है। साथ ही वो पियानो बजाना भी सीखता है। इसी तरह से वक्त बीतता चला जाता है और रोबोट के अंदर बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस आ जाते हैं, और अब अमेंडा भी बड़ी हो चुकी है। ये सब तय करते हैं कि रोबोट ने जितनी भी चीजें बनाई है ये उन सबको सेल कर देंगे, और उससे जितने भी पैसे मिलेंगे उससे रोबोट का अकाउंट खोलेंगे। और ये ऐसा ही करते हैं, ये उन चीजों को सेल करके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। अमेंडा अब बड़ी हो चुकी है, इसीलिए वो शादी करने जा रही है, और ये बात वो रोबोट को बताती है, तो उस वक्त मशीन में काम कर रहा होता है। अमेंडा की बात सुनकर उसका थंब कट जाता है, जिस वजह से मार्टिन रोबोट को उसी कंपनी में ले जाता है जहां से उसने खरीदा था। वो नहीं कहता है कि इसकी उंगली ठीक कर देना, लेकिन इसके प्रोग्राम को बिल्कुल भी चेंज मत करना, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, ये इंसानों की तरह फील भी कर सकता है। तभी रोबोट कहता है कि मैं अपने चेहरे को अपग्रेड करना चाहता हूं, ताकि मेरे चेहरे पर भी इंसानों की तरह एक्सप्रेशंस दिखें, और उसके चेहरे को अपग्रेड कर दिया जाता है, जहां पर रोबोट सूट पहनकर आता है। दरअसल अमेंडा ने उसे सूट पहनने के लिए कहा था। अमेंडा शादी करके चली जाती है, और अब अमेंडा के पिता मार्टिन बिल्कुल अकेले हो गए हैं। रोबोट उनके पास आता है और कहता है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। इसके बाद 12 साल बीत जाते हैं। अमेंडा का भी अब एक बेटा हो चुका है, जो रोबोट को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो हमेशा उसे परेशान करता है। रोबोट अमेंडा को कहता है कि अब मैं जाना चाहता हूं, मुझे फ्रीडम चाहिए। और इसके बाद वो मार्टिन के पास, यानी कि अमेंडा के पिता के पास जाता है, और उनसे कहता है कि अब मुझे यहां से जाना होगा, मैं आजाद होना चाहता हूं। ये सुनकर मार्टिन को बहुत दुख होता है, क्योंकि उनकी बेटियों की शादी के बाद रोबोट ही उनका सबसे अच्छा साथी था, और अब वो भी जाना चाहता है। वो उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। रोबोट उन्हें एक चेक देता है, ये पैसे उसने अपने हाथ से बनाई हुई चीजों से कमाए हैं। लेकिन मार्टिन उसका चेक उसे वापस कर देते हैं, और रोबोट अब घर से निकल जाता है। वो समंदर के पास एक जमीन खरीदता है, जहां पर वो लकड़ी का अपने हाथों से बहुत ही सुंदर घर बनाता है, और यहां पर वो लकड़ी की चीजें बनाता रहता है। और इसी तरह उसे जिंदगी गुजारते हुए 16 साल बीत जाते हैं। अमेंडा की भी एज अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो रोबोट से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि मेरे पिता की हालत बहुत खराब है, वो बहुत ज्यादा बीमार है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। रोबोट उनसे मिलने जाता है। यहाँ पर मार्टिन उसे कहते हैं कि तुमने हमारी बहुत सालों तक सेवा की थी, जिसके लिए मैं कभी तुम्हें थैंक्स नहीं कह पाया। वो उसे थैंक्स कहते हैं और प्यार से अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हैं, और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब रोबोट इस देश से भी दूर जाना चाहता है, वो देश विदेश घूमना चाहता है, पर उसे इसकी इजाजत नहीं होती, इसीलिए वो इसके लिए केस फाइल करता है। और ये केस अमेंडा का बेटा हैंडल करता है, जो कि अब बहुत जवान हो चुका है। वैसे भी वो इस रोबोट को पसंद नहीं करता था, वो हमेशा चाहता था कि उसकी मॉम इससे दूर रहे, इसीलिए वो उसे अप्रूवल दिला देता है। दरअसल उसका दूर दूर जाने का मकसद ये होता है कि वो अपने जैसा एक और रोबोट ढूंढना चाहता है। वो कई देशों में जाता है, लेकिन उसे ऐसा कोई भी रोबोट नहीं मिलता। लेकिन उसे एक दिन एक फीमेल रोबोट दिखती है, जो उसी की तरह होती है। वो इंसानों से बहुत प्यार से बात कर रही होती है, उसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है। पर जब वो रोबोट उस फीमेल रोबोट से मिलता है, तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक ऐसी चिप लगाई गई है, जिससे वो बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करती है। यानी कि ये सब उसने अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखा, जिस तरह से इस रोबोट ने सीखा था। इसीलिए वो उस आदमी से मिलने जाता है जिसने इस रोबोट को डिजाइन किया है। इसका नाम रूपर्ट होता है। वो रूपर्ट से मिलता है। रूपर्ट उसे बताता है कि मेरे पिता एक रोबोटिक कंपनी में काम किया करते थे, जहां से उन्हें निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने खुद अपने रोबोट्स बनाए, और अब उस काम को मैं संभालता हूं। मैं एक ऐसा सूट भी बना रहा हूं, जिसको पहनने के बाद रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह दिखेंगे। ये देखकर रोबोट को बहुत खुशी होती है। यहां पर रूपर्ट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों की होती है, उसे फंडिंग की जरूरत है। रोबोट उसे कहता है कि पैसों से मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरे लिए एक सूट बनाना होगा, जिसे पहनने के बाद मैं बिल्कुल इंसान जैसा दिखूं। रूपर्ट उसके लिए सूट बना देता है। हालांकि ये रोबोट अपने घर से बहुत दूर
दूर है, लेकिन ये अमेंडा से, जिसका अब डाइवोर्स हो चुका है, लगातार चिट्ठियों से बातें किया करता है। और जब इसका सूट पूरी तरह से बन जाता है तो ये वापस आ जाता है, ये अमेंडा के घर पर जाता है, जहां पर एक अमेंडा जैसी लड़की जो कि बहुत ही यंग होती है वो पियानो बजा रही होती है। उसे देखकर रोबोट हैरान हो जाता है। जब उसके पास जाता है तो वो लड़की उसे बिल्कुल नहीं पहचानती, और तभी पीछे से अमेंडा आती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। और ये लड़की जो पियानो बजा रही होती है ये उसकी ग्रैंड डॉटर है, यानी कि अमेंडा के बेटे की बेटी, इसका नाम पोर्शिया होता है। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और एक दिन रोबोट को पता चलता है कि अमेंडा को हार्ट अटैक आया है। वो उसे हॉस्पिटल में मिलने जाता है। अमेंडा के हाथ में आज भी वो लकड़ी का घोड़ा होता है जो सबसे पहले रोबोट ने उसके लिए बनाया था। अमेंडा रोबोट से उसकी दोस्ती के लिए थैंक्स कहती है, और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से उसकी पोती पोर्शिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रोबोट की आंखों में आंसू नहीं आते। उसे इस बात से हैरानी होती है, वो बिल्कुल इंसानों की तरह बनना चाहता है। इसीलिए एक बार फिर से वो रूपर्ट के पास जाता है और कहता है कि मुझे हूबहू इंसानों जैसे ऑर्गन चाहिए। रूपर्ट कई एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसके लिए सिंथेटिक ऑर्गन्स बना देता है, पर वो रोबोट को चेतावनी देता है कि अगर मैंने इन ऑर्गन्स को तुम्हारी बॉडी के अंदर फिट किया तो तुम्हें दर्द भी हो सकता है, पर रोबोट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूपर्ट से कहता है कि जब तुम्हारा काम पूरी तरह से खत्म हो जाए तो मैं ऑर्गन्स लगवाने आ जाऊंगा। इसके बाद वो वापस आ जाता है, जहां पर वो अमेंडा की ग्रैंड डॉटर पोर्शिया से मिलता है। ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दिन पोर्शिया से कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। इस बात से रोबोट को बहुत दुख होता है, और वो रूपर्ट के पास जाता है जिसने सिंथेटिक ऑर्गन्स बना दिए होते हैं। वो उसकी बॉडी में सिंथेटिक ऑर्गन्स लगा देता है, जिससे रोबोट को बहुत खुशी होती है। वो पोर्शिया के पास जाता है और कहता है मेरी आंख में फूंक मारो, और जैसी वो उसकी आंख में फूंक मारती है तो उसे दर्द होता है, यानी कि अब वो लगभग पूरी तरह से ह्यूमन बन चुका है। पर पोर्शिया से कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, जल्दी मेरी इंगेजमेंट है। ये बात सुनकर रोबोट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो उदास हो जाता है। वहीं रूपर्ट को दिखाया जाता है जो उस फीमेल रोबोट का बदला हुआ बिहेवियर देखता है, जो इंसानों की तरह बिहेव करती थी। वो समझ जाता है कि ये काम अमेंडा के रोबोट, जिसका नाम एंड्रयू है, उसी का है। वो एंड्रयू के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे वो चिप वापस कर दो। हालांकि शुरू में वो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसे वो चिप दे देता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों उस जगह जाते हैं जहां पर पोर्शिया की इंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है, लेकिन ये दोनों दूर से ही वो सब कुछ देखते हैं। पोर्शिया भी इस इंगेजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एंड्रयू से, यानी कि रोबोट से, प्यार करती है, उसे उसका साथ बहुत अच्छा लगता है। वहीं एंड्रयू अगले दिन पोर्शिया से मिलने चर्च में जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। एंड्रयू ने अपने सारे ऑर्गन्स अब इंसानों की तरह लगवा लिए हैं, इसीलिए वो इंसानों की तरह फील कर सकता है। वो खाना खाता है, वो हर चीज करता है जो इंसान कर सकते हैं। पर पोर्शिया से कहती है कि हमारी शादी को, हमारे प्यार को कोई भी लीगलाइज नहीं करेगा, सरकार इस बात की इजाजत कभी नहीं देगी। इस बात से एंड्रयू को दुख होता है और वो कोर्ट में एक पिटीशन डालता है, जिसमें वो जूरी से कहता है कि मुझे इंसानों का दर्जा दिया जाए क्योंकि मैं इंसानों की तरह फील कर सकता हूं, उनकी तरह खा सकता हूं, चल सकता हूं, बात कर सकता हूं, मेरे अंदर सभी इमोशंस हैं। लेकिन जूरी मेंबर्स उसे कहते हैं कि तुम इंसानों की तरह बूढ़े नहीं हो सकते, तुम हमेशा इसी तरह से जवान रहोगे, और वैसे भी अगर तुम्हें इंसानों का दर्जा दे दिया गया तो इंसान तुमसे जेलस फील करेंगे क्योंकि तुम अमर हो, तुम कभी मर नहीं सकते। एंड्रयू केस हार जाता है, और इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। पोर्शिया की भी एज बढ़ जाती है, लेकिन एंड्रयू आज भी ज्यों का त्यों होता है, यानी कि वो पूरी तरह से यंग है। एंड्रयू पोर्शिया से कहता है कि आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम हमेशा के लिए जिंदा रह सकती हो। पोर्शिया कहती है कि इंसान जीते हैं और अपने कर्म यहां पर पूरे करने के बाद मर जाते हैं, यही इंसान की नियति है। ये जानने के बाद एंड्रयू के मन में आता है कि वो भी अब पूरी तरह से इंसान बन जाएगा। हालांकि उसके अंदर इंसान वाले सारे इमोशंस होते हैं, लेकिन अब वो शायद इंसानों की तरह मरना भी चाहता है। इसीलिए रूपर्ट के पास जाता है, जो अब बहुत अमीर और बहुत ही कामयाब इंसान बन चुका है। एंड्रयू उसे कहता है कि तुम्हें मेरे फ्लूइड को बदलना होगा। रूपर्ट उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे फ्लूइड के बदले तुम्हारी बॉडी में ब्लड डाल दिया तो कुछ सालों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एंड्रयू इसके लिए पहले से तैयार होता है, और रूपर्ट उसकी बॉडी से फ्लूइड निकालकर उसकी बॉडी में ब्लड डाल देता है। इस ब्लड की वजह से न सिर्फ उसका इंसानों की तरह अंत होगा, बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ेगी। कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि अब उसकी उम्र बढ़ चुकी है, वो भी बूढ़ा हो चुका है, और ये साल होता है सन 2205 का। आज रोबोट को, यानी कि एंड्रयू को, इस दुनिया में आए हुए पूरे 200 साल हो चुके हैं। वो कोर्ट में एक बार फिर से पिटीशन दर्ज करता है और कहता है कि मुझे इंसानों का दर्जा दे दिया जाए, अब मेरी भी उम्र बढ़ती है और मैं एक इंसान की तरह इस दुनिया से जाना चाहता हूं। कोर्ट कहती है कि हम अपना फैसला तुम्हें बाद में सुनाएंगे। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि एंड्रयू की और पोर्शिया की उम्र की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। ये दोनों के दोनों लाइफ सपोर्ट पर होते हैं, और तभी कोर्ट अपना फैसला सुनाती है जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। एंड्रयू और पोर्शिया भी इसे देख रहे होते हैं। कोर्ट कहती है कि हम एंड्रयू को इंसानों का दर्जा देते हैं और वो इस दुनिया का सबसे पुराना इंसान है, जिसे 200 सालों से ज्यादा हो चुके हैं। साथ ही इन दोनों की शादी को भी मान्यता दे दी जाती है। इस न्यूज को सुनते सुनते ही एंड्रयू की मृत्यु हो जाती है। पोर्शिया नर्स से कहती है कि एंड्रयू हमेशा से जानता था कि वो एक इंसान है, उसे किसी की भी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं थी, ये सब उसने मेरे लिए किया था। ये जो नर्स होती है ये वही रोबोट होती है जिसे एंड्रयू सबसे पहले मिला था। अब साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, इसीलिए सभी इंसान अब बिल्कुल रोबोट्स की तरह दिखते हैं। पोर्शिया इस रोबोट को ऑर्डर देती है कि उसका लाइफ सपोर्ट बंद कर दे, क्योंकि अब उसकी भी उम्र हो चुकी है। उसने एंड्रयू का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो एंड्रयू से कहती है सी यू सून, यानी कि जल्द ही दोबारा मिलेंगे। इसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से एंड्रयू, जिसे
जिसे रोबोट बनाकर इस दुनिया में लाया गया था, वो इंसानों की तरह इस दुनिया से चला जाता है। तो ये थी पूरी कहानी इस